हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है उसका रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन रिवीजन बेटा बाइंड ऑफ हो चुका है और अब हम लोग एट ग्रेड की चीजें पढ़ रहे हैं। एट ग्रेड की मतलब चीजें क्या होती हैं? इसमें आपका जो बुक है ना, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो आपका बुक है बेटा, उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उसके टॉपिक्स जो भी हैं थियरी पार्ट में वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ताकि ताकि आप अपने एग्जाम्स को बेहतर ढंग से टैकल कर पाओ, उसको सॉल्व कर पाओ क्वेश्चंस को। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस कॉपी सर। और पेन निकाल कर रेडी हो जाइए, हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, हम लोग अपने एक तरीके से देखो, हालांकि पढ़ा तो है लेकिन हम लोग ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? तो हम लोग अपरिमेय संख्याओं पे ज्यादा फोकस करेंगे, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, इन सब टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग का फोकस इस पे ज्यादा होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण सीखेंगे, फिर परिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे, फिर अपरिमेय संख्याओं के बारे में, फिर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखेंगे बच्चों, ठीक है। फिर एक तरीके से सीखेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, और अंत में सीखेंगे बच्चों हम लोग दशमलव प्रसार के उदाहरण, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग लगा दीजिए आप सारे बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। एक तरीके से मतलब ठीक है, इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बच्चों, इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं या फिर प्राकृतिक संख्या बोलते हैं? पूर्ण प्राकृतिक संख्या ठीक है, नहीं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे शून्य शामिल है, अगर शून्य ना होता तब हम लोग इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। शून्य की वजह से यह पूरा का पूरा जो कलेक्शन है ना बच्चों, ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? है। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। अब देखो नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? तो संख्या रेखा पर बच्चों हम लोग पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कई सारी संख्याएं लिखी गई हैं, देखो +1, +2, +3, +4, +5, +6, फिर इधर देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, और देखो बीच में क्या लिखा गया, 0। तो ये जो कलेक्शन बनाया गया इस वाली रेखा पर, इसी रेखा का नाम होता है संख्या रेखा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। बच्चों देखो, गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं। क्या सारे बच्चे सीख पा रहे हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो यहाँ पे जितनी भी धनात्मक संख्या है सबकी सब प्राकृतिक संख्या है, और इसीलिए हम लोग इनको एक तरीके से एन से डिनोट कर रहे हैं, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। ओके, अब मैं सिखाऊंगा आपको होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। जो गिनती की संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 करके ना, ऐसी जो संख्याएं होती हैं बच्चों, इसमें आप 0 को इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। 0 को इंक्लूड कर लीजिए। 0 को इंक्लूड करने पर जो जो संख्याएं बनती हैं, जो ये समुच्चय बनता है, जो ये संग्रह बनता है, इनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, या फिर हिंदी में बोलते हैं बच्चों पूर्ण संख्याएं। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बात? यस ठीक है, सर। बहुत बढ़िया। देखो 0 को इंक्लूड करने के बाद जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, टोटल 0 को इंक्लूड करने के बाद पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों के बारे में। तो पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? देखो जो गिनती की संख्याएं होती हैं +1, +2, +3, +4, ठीक है, इनको आप माइनस में भी लिख लो, यानी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और बेटा 0 को लिखना मत भूलना। तो इन तीनों नंबर का जो कलेक्शन बनता है, उस कलेक्शन को, उस संग्रह को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। क्या आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ रहा है बच्चों? यस। तो अगर कोई भी पूछे कि पूर्णांक, हाँ, अगर कोई भी पूछे कि पूर्णांक क्या होते हैं, तुरंत बताइएगा कि पूर्णांक है ना धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान तथा शून्य से मिलकर के बना होता है, ठीक है।
ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो, अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, ध्यान से सीखिएगा आप लोग। मान लो कोई संख्या है जो कि पी बाई क्यू के रूप में लिखी गई है, ठीक है। अगर कोई संख्या है जो कि पी बाई क्यू के रूप में लिखी गई है बच्चों, और ये जो क्यू है यानी जो हर है वह शून्य के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग बच्चों बोलते हैं परिमेय संख्या। और ये जो पी और क्यू है ना, ये एक तरीके से पूर्णांक होना चाहिए। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। बढ़िया। सर एक दोबारा से बता। ओके ओके, दोबारा समझा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो बेटा, मान लो अगर 2/3 लिखा गया है तो यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर 2/3 लिखा गया बच्चों तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे जो हर है वो शून्य के बराबर नहीं है। मान लो अगर मैंने लिखा हुआ है 5, या मान लो मैंने लिखा हुआ है 7, मान लो लिखा हुआ है मैंने 6, तो ये सब की सब अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं। 5 एक परिमेय संख्या है, कैसे, क्योंकि 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1। इसी प्रकार से बेटा 7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/1, ठीक है। 8 मान लो लिखा है तो 8 भी एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/1, ठीक है। अगर आप कहो सर इसके ऋणात्मक मानों को भी बोल सकते हैं क्या परिमेय संख्या, तो बिल्कुल सही बात है, ऋणात्मक मानों को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है -24, तो -24 भी बेटा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो -24/1 लिख सकते हैं। मान लो लिखा गया है -3, तो -3/1 लिख सकते हैं, ये भी एक तरीके का क्या है, परिमेय संख्या है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? बेटा समझा है तो दूसरी बार समझा है, चलो तीसरी बार समझा देते हैं। दरअसल है क्या ना, परिमेय संख्या की परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है, है ना, ये याद रखिएगा। पी बाई क्यू मतलब बटे के रूप में लिखी जाती है। और मान लो आपको दिख रहा होगा कि 6 बटे में नहीं है, लेकिन नहीं, इसको बटे में लिखा जा सकता है, कैसे, 6/1 लिख दो। जब 6/1 लिखोगे तो यह बटे में हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन मान लो अगर पहले से ही बटे में लिखा है, जैसे मान लो 7/12 लिखा है, तो ये तो ऑलरेडी कुछ बिना किए एक तरीके से परिमेय संख्या दिख रहा होगा, क्योंकि यह पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, और जो हर है वो शून्य के बराबर है ही नहीं। अब ना, अब आया समझ में ना, कि अभी भी नहीं आया? ठीक। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, जैसे कि मान लो 1/2, 2/5, -3/11, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। -3/11 एक परिमेय संख्या है, 2/5 एक परिमेय संख्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों, मान लो अगर कहीं पे भी 0 लिखा है, तो क्या हम लोग 0 को परिमेय संख्या बोलेंगे बच्चों? यस सर, बिल्कुल सही बात है, 0 भी एक परिमेय संख्या होता है। कैसे, देखो 0 को 0/3 लिख दो आप, ठीक है, 0/5 लिख दो, या फिर 0/6 लिख दो, ये सब के सब क्या है, एक तरीके से परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। आई बात समझ में आप सभी को? यस सर। यस सर। अब देखो -25 लिखा है, ठीक है, -25 अगर लिखा हुआ है तो क्या है, ये एक परिमेय संख्या है बच्चों, आप लोग खुद बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो -25 को -25/1 लिख सकते हैं, और इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखो 1/2 लिखा है, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 10/20, यहाँ पे 25/50, और बच्चों यहाँ पे 47/94। तो क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें कोई सिमिलरिटी है, जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं कोई भी सिमिलरिटी है? ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। नो सर। सर 2-2 की है, 2 अंश में है और 1-2 हर में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो अब मैं सिखाता हूँ आप सभी को। देखो 2
टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ठीक है। फिर देखो टेन वन जा टेन, टेन टू जा ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव वन जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी, फोर्टी सेवन वन जा फोर्टी सेवन, फोर्टी सेवन टू जा नाइन्टी फोर। यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो वन बाय टू, वन बाय टू, यहाँ भी वन बाय टू और यहाँ भी वन बाय टू, ठीक है। बताओ सबका जो आंसर है वो वन बाय टू आ रहा है ना? यस सर, यस सर, ठीक है। तो इस प्रकार के भिन्न को या इस प्रकार की परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तुल्य परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। इस प्रकार की परिमेय संख्याओं को हम लोग बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सभी को समझ में आया? यस सर, सर। ओके बच्चों, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आप सभी लोग पढ़िए। क्वेश्चन आपको एक तरीके से ट्रू और फॉल्स वाला दिया गया है, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो ट्रू बोलिएगा, इनकरेक्ट होगा तो फॉल्स बोलिएगा। क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, क्या ये बात सही है या गलत है? ये सर होती है, ट्रू सर होती है, ट्रू सर, सर ट्रू। बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। सर जी फेल्स है सर, ये फॉल्स है, फॉल्स है। सर जी मेरे बोलने के बाद सब बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए था कि देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। आप ऐसे सोचो, मान लो पांच है, तो पांच एक पूर्ण संख्या है और पांच एक प्राकृतिक संख्या भी है। लेकिन बच्चों शून्य एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है? सर नहीं है, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये क्या है, गलत है, यानी कि फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सबको समझ में आया? यस सर। सर जी मैंने बोला था सबसे पहला। सही है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे देखो, बताने की कोशिश भी हो रही है कि नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर, सर फॉल्स है, ट्रू है सर। सर जी फॉल्स है। ओके अब मैं इसको सिखा देता हूँ कि आखिर ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो यहाँ पे बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, ठीक है, बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। मान लो एक पूर्णांक है पांच, या फिर एक पूर्णांक है मान लो बारह, मान लो एक पूर्णांक है माइनस तीन, तो क्या ये तीनों की तीनों पूर्णांक परिमेय संख्याओं के रूप में लिखी जा सकती हैं? बिल्कुल लिखी जा सकती है। माइनस तीन को माइनस तीन बटे एक लिख सकते हैं, पांच को पांच बटे एक लिख सकते हैं, yes, sir, बारह को बारह बटे एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि हम लोग बोलेंगे हाँ ये
सत्य कथन है। सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करिए, ये एक अलग क्वेश्चन लिखा है। इस वाले क्वेश्चन में भी ट्रू और फॉल्स बताना है। आप लोग बताइए बच्चों। ट्रू है सर, ट्रू। यस सर, ट्रू है। बता तो दिया। पक्का बेटा, ट्रू है या फॉल्स है? आप लोग खुद सोच के बताओ। ट्रू है सर। बताओ बताओ सर, चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ क्या कि ये एफ ट्रू। है हाँ मैं सिखाता हूँ बच्चा, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। चलिए मैं सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ठीक है। तो मान लो आप 7/9 ले लो और आप एक संख्या ले लो 8 ले लो, ठीक है। 8, तो 8 एक परिमेय संख्या है और यह एक पूर्णांक भी है, ये तो सत्य कथन है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन 7/9 परिमेय संख्या तो है, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा तो गया है ये, ठीक है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है बच्चों? सर मेरा ठीक था। फॉल्स यस, ठीक है। तो ये पूर्णांक है सर, नहीं, फॉल्स बिल्कुल फॉल्स। सही बात। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, कि अभी ये फॉल्स है। सबको समझ में आया? यस सर, यस। ओके बच्चों, ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे एक नोट लिखा गया बच्चों। नोट क्या है कि किन्हीं भी दो संख्या सॉरी किन्हीं भी दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे ओके राखी, बट ध्यान रखना, ठीक है, कि जो क्लास है वो 7 बजे स्टार्ट होती है, तो 7 बजे तक आ जाओ, ठीक है। तो बच्चों मैं ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक परिमेय संख्या है 1 और एक परिमेय संख्या है 2, तो बच्चों इन दोनों ही संख्याओं के बीच में है ना, इन दोनों ही संख्याओं के बीच में है ना अपरिमित रूप से यानी ढेरों परिमेय संख्याएं होती हैं। आपको लग रहा होगा सर ये तो 1 है और ये 2 है, इनके बीच में गिने चुने लोग होंगे है ना, गिने चुने परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। करोड़ों अरबों की संख्याओं में यहाँ पे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया बच्चों? है अनंत होते हैं, कण यस सर, ये अनंत का मतलब है ढेर सारे, इतने ज्यादा कि आप लोग उसको काउंट आ करना। गया सर। चलो बढ़िया, ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं क्या बेटा? आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर रहे हो? नोट कर रहा हाँ सर, एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से लिखा गया कि एक और दो के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक और दो के बीच में अगर हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक अगर लिखा हुआ है तो इसको एक बटे एक लिख दीजिए, अगर दो लिखा हुआ है तो इसको दो बटे एक लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप 10 से गुणा करा दीजिए। आप कहोगे सर 10 से ही क्यों गुणा और 10 से ही क्यों भाग, दरअसल बेटा यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे अगर मैं 10 से गुणा कराऊंगा तो हमें 9 परिमेय संख्याएं मिलेंगी, है ना। आपसे जितना बोलेगा उतना आप एक अधिक करना, जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए तो आप 4 का गुणा कराइएगा। मान लेते हैं आपसे बोला गया कि 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए तो आप 6 का गुणा कराइएगा। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ, एक हमेशा अधिक से कराते हैं, तो 10 से कम 10, 10 से कम 10, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 10/10। और बच्चों ये है 10 × 20, तो ये है 10 × 20/10 × 10 से कम 10, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ ये जो हर है ये भी 10 है और यहाँ का जो हर है वो भी 10 है, दोनों ही हर क्या है 10-10 है, इसलिए अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 10 के बाद देखो 11, तो 11/10, फिर 11 के बाद 12, तो 12/10, फिर 12 के बाद क्या आता है 13/10, फिर 13 के बाद क्या आता है 14/10, फिर 15/10 बच्चों, 15/10, ठीक है, फिर आगे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। कब ओके बच्चों, ओके, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर, ओके। तो बेटा इस टाइप के आपके सेट वाले एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेट वाले एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो प्लीज इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो हमको बताइए, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो बच्चों अगर मान लो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला है तो आप किसका गुणा कराओगे? सर 6 का। बिल्कुल सही, तो 6 से गुणा कराएंगे, ठीक है। देखना बच्चों सर, क्या आप लोग इसको अपने मन से करोगे या मैं ही करूं? सर हम करेंगे। ओके, तो प्लीज इसको आप लोग अपने मन से, है ना, अपने मन से करिए इसको, ठीक है सारे बच्चे। और जब हो जाएगा तो चैट में लिखिएगा। हो गया।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चैट में लिखिए बेटा, चैट में आंसर बताइए, चैट में आंसर बताइए। सर देखना, सर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। चलो यस यस ठीक है, सभी लोगों का ठीक है ना, तो ढेर सारी संख्याएं आ रही होंगी। चलो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। हालांकि कुछ बच्चों ने मेरी अपनी कॉपी भी चेक कराई, जैसे कि नरेश के नाम से एक बच्चा है, देखो 36 18 और 6 25 30, यहाँ पे 6 6 24 होता है और ये 6 25 30 होता है। अब देखो बच्चों 18 के बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, 18 के बाद 19 लिखेंगे तो 19 बटे 30, 19 के बाद 20 लिखेंगे 20 बटे 30, फिर 20 के बाद क्या आता है 21, 21 बटे 30, 21 के बाद क्या आता है 22 बटे 30, और 22 के बाद 23 बटे 30। ठीक है, अब गिनो 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर के कुल मिलाकर के 5 संख्याएं, परिमेय संख्या यहाँ पे लिखी गई है ना। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, अब हेडिंग लगा दीजिए इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। सर लगा ली। ओके बच्चों, अब देखिएगा लिखा हुआ है कि एक अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो कि p by q के रूप में है ना, p by q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। जैसे कि मान लो रूट टू है। ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो रूट टू जो होता है ना वह एक है ना, वह एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है बच्चों, अपरिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार से रूट थ्री ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है, रूट फाइव, ठीक है, रूट फाइव ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। समझ रहे बच्चों आप लोग? सारे बच्चे समझ रहे हैं? सर। सर। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चों इसी प्रकार से देखो पाई, पाई को आप लोग जानते होंगे, पाई भी एक तरीके का अपरिमेय संख्या होता है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा पाई भी एक तरीके का क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, मान लो कोई दशमलव संख्या है, ठीक है, इस प्रकार से मान लो कोई संख्या लिखी गई है। देखो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, देखो 2 3 9 7 5 1 9 2 7 है ना, रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, तो जब रिपीटेशन नहीं है बेटा तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। शिवम ओके ठीक है, अगर आपको इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। तो अगर इस प्रकार का कोई दशमलव में संख्या लिखा होगा जो कि रिपीट नहीं हो रहा होगा है ना, हमेशा एक यूनिक नंबर दे रहा होगा,
तो इसको भी हम लोग एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग बात याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे एक रूट टू है और ये रूट फोर है। ठीक है, रूट टू और रूट फोर, तो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो इसको कि ये जो टू है ना एक पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन जो फोर है वो एक पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि रूट फोर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, किसी को मालूम है? बताओ जल्दी से, रूट फोर की वैल्यू कितनी होती है? तो बच्चों रूट फोर की वैल्यू टू होती है। क्या आप सारे बच्चे जानते हैं इसको कि कैसे निकालते हैं रूट? हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इजिली कि रूट फोर की वैल्यू टू आ जा रही है। तो टू तो एक तरीके का परिमेय संख्या होगा, कैसे? टू को आप आसानी से टू बाई वन लिख सकते हो, लेकिन रूट टू को आप है ना, रूट टू को आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो, और इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। और देखो इसका मान दशमलव में आता है और रूट फोर का मान टू आता है। रूट टू को आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो, जबकि रूट फोर यानी कि टू को आप एक पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। इसीलिए कंक्लूजन ये निकला बच्चों, कंक्लूजन ये निकला कि जो रूट टू होगा ना वह एक अपरिमेय संख्या होगा, और ये जो रूट फोर होगा वह एक परिमेय संख्या होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बच्चों हेडिंग लगा दीजिए, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हेडिंग लगाइए। लगाते हैं, एक मिनट लगा रहे हैं। सर लगा ली, हो गया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये है क्या। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो सीखिए सबसे पहले क्या होता है रियल नंबर। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सीखेंगे रियल नंबर। देखो बच्चों, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह दो संख्याओं से मिलकर के बनी होती हैं। एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय। बहुत बढ़िया। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अगर देखा जाए परिमेय संख्याओं के उदाहरण क्या है, तो बेटा 5 हो सकता है, 2/7 हो सकता है, -12/17 हो सकता है ना। इस टाइप की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं में पाई हो सकता है, रूट टू हो सकता है, रूट थ्री हो सकता है, या कोई डेसिमल में नंबर लिखा होगा तो वो भी हो सकता है। तो इन दोनों को आप कलेक्शन बना लो, तो ये दोनों ही कलेक्शन के रूप में क्या बनाती है, कौन सी संख्या बनाती है, तो वास्तविक संख्या बनाती है। वास्तविक संख्या, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अगर कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो तुरंत बताइएगा कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होती है। ठीक है, ये इन दोनों से ही मिलकर के बनी होती है। अच्छा बच्चों एक बात और, ठीक है, नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन ठीक है, नंबर लाइन पे जितने भी आप नंबर देखते हो ना, या फिर जितने भी नंबर आप नहीं देख पाते हो, देखो इन दोनों के बीच में जो भी आप नंबर नहीं देख पा रहे हो, या फिर जो नंबर देख पा रहे हो, वो सब की सब क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा,
ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो सबसे बाहर वाली लाइन है, जो सबसे बाहर वाली लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है बच्चों अपरिमेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, और दूसरी संख्या होती है परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के दो रूप या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक। इतना समझ में आया कि इतना नहीं आया? आ गया सर। प्राकृतिक संख्या है, देखो इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। ओके बच्चों, तो प्राकृतिक संख्या आप लोगों ने सीखा, पूर्ण संख्या सीखा, और देखो ये इनको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। आप लोग समझ रहोगे है ना, या फिर नहीं भी समझ रहोगे, लेकिन मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो नेचुरल नंबर होता है, यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है ना बेटा, एक सेकेंड, ये जो प्राकृतिक संख्या होती है वह एक पूर्ण संख्या है ना के अंतर्गत आती है, और पूर्ण संख्या जो होती है बेटा वो पूर्णांकों के अंतर्गत आती है, और जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, और जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। क्या आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना, तो आप समझ लो बहुत ही राइट ट्रैक पर हो, और आप चीजों को सीख रहे हो बहुत ही बेहतरीन ढंग से। जल्दी से बेटा इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ले लिया सर। ओके बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे कुछ नोट लिखवाया हूँ, इसको आप लोग देखो क्या क्रिय है क्या। देखो बच्चों, एक सेकेंड, यस, मान लो अगर कोई नंबर लाइन है ना, तो नंबर लाइन भी जितने भी नंबर्स लिखे गए होते हैं सबके सब यूनिक होते हैं, ठीक है, सबके सब यूनिक होते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है टू, ठीक है, टू लिखा हुआ है, तो टू अपने आप में यूनिक है बच्चों। टू क्या है अपने आप, यूनिक का मतलब क्या होता है, अद्वितीय, अद्वितीय, यानी इसके जैसा कोई और है ही नहीं। आप हमें बस इतना बता दीजिए, क्या दो कभी भी 13 के बराबर हो सकता है बच्चों? नो सर, कभी नहीं है ना। नो सर, इवन ये जो दो है ना, ये जो दो है, यह 2.1 के बराबर नहीं हो सकता है। दो बराबर होगा तो सिर्फ और सिर्फ दो के ही बराबर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes, यही यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है कि हर एक नंबर अपने आप में यूनिक होता है, वह किसी और वैल्यू से इक्वल नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि हर एक नंबर अद्वितीय होता है। अद्वितीय को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक, UNIQUE, यूनिक, ठीक है। आपने नाम सुना भी होगा, यूनिक लोग बोलते हैं, बड़ा यूनिक है, सुना कि नहीं सुना? सुना है सर। यस, वही वाला यूनिक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, क्या आपने इसको नोट कर लिया या फिर इसका स्क्रीनशॉट लिया? यस सर, ले लिया। ओके बच्चों, सर ले लिया, एक मिनट, ले लिया सर, ले लिया सर। ओके,
ठीक है। अब देखो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि एक अपरिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर ठीक है व्यक्त कैसे करते हैं, है ना। अब मैं यही सिखाऊंगा आप सभी को। क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? यस सर। यस सर। एक सेकंड बच्चों। हाँ ठीक है। तो कितने बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय आता है? पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो आता है क्या? किसी बच्चे को आता है पाइथागोरस प्रमेय? नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं सिखाऊंगा ठीक है। अच्छा आप लोग समकोण त्रिभुज जानते हैं? समकोण त्रिभुज यस। चलो देखो बेटा समकोण त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले ये सीखो। तो अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसका एक कोण 90 डिग्री है तो उस वाले त्रिभुज का बच्चों नाम हो जाता है समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक सेकेंड, चलो ध्यान से देखना बेटा। तो ये जो मैंने अभी को त्रिभुज बनाया ये क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या आपको समकोण त्रिभुज समझ में आया बच्चों? यस सर। अच्छा समकोण त्रिभुज का ये जो सबसे नीचे वाला जो भुजा होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं आधार, और ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है जो एकदम बोल सकते हैं लंबवत है इसको बोलते हैं लंब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। और ये जो तिरछी वाली लाइन है बच्चों इसका नाम होता है हिंदी में कर्ण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इतना समझ में आया आप सभी को? यस सर। अच्छा अगर इतना समझ में आया तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। देखो पाइथागोरस एक प्रमेय है, पाइथागोरस एक प्रमेय है, ठीक है। यह पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है? ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है देखिएगा ध्यान से बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा तब तक ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और बेटा इस फार्मूले को आप लोग है ना लर्न कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसको अच्छे से एकदम सीख लीजिए। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ तो इस वाले फार्मूले को बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही लाजवाब फार्मूला है, इससे बहुत ही बड़े बड़े सवाल हो सकते हैं। मान लो अगर आधार मालूम है लंब मालूम है तो हम लोग कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं, मान लो हमें कर्ण मालूम है आधार मालूम है तो हम लोग लंब का मान आसानी से निकाल सकते हैं, मान लो हमें कर्ण मालूम है लंब मालूम है तो आधार निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। तो बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो, ठीक है, मान लो ऐसे रेड कलर से मैंने ये बना दिया, तो हम लोग इस रेड वाले लाइन को क्या बोलेंगे बेटा, कर्ण बोलेंगे या कि नहीं बोलेंगे? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है कर्ण, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार।
लम नंबर लम। इतना समझ में आया आपको? उधर रह गए। यस सर। यस सर। तो बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ कर्ण का मान कितना होगा, तो वही पाइथागोरस का प्रमेय यूज करिए। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्णी में यानी कि रूट में आपको बनाना है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप बताइए आधार का मान कितना है बच्चों? बताओ आधार का मान एक है ना बच्चों? यस सर। और लंब का मान भी एक है? यस सर। यहाँ पर मैंने वो देखो रख दिया, तो देखो एक का स्क्वायर एक होता है और यहाँ का भी एक का स्क्वायर एक होता है, तो एक और एक मिलकर के कितना हो जाएगा बच्चों? दो। दो, दो। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्ण का मान आया वो कितना आ गया बेटा? कर्ण का मान आ गया रूट टू। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इस अच्छा अच्छा तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यस सर। हो गया? यस सर। ठीक है सर, अब मैं इसको और समझाता हूँ, समझिएगा सारे बच्चे समझिएगा। तो आपने रूट टू बना लिया, अब ध्यान से समझना। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करो आप ऐसे सीधा एकदम, ठीक है, जीरो लिखो, वन लिखो, टू लिखो, माइनस वन लिखो, माइनस टू लिखो एंड सो ऑन। अभी आपने देखा था कि हम लोगों ने वन यूनिट लेंथ लिया था, तो उसी वन यूनिट लेंथ को दोबारा से लीजिए। और बच्चों अगर आप उस वन यूनिट लेंथ को दोबारा से लेंगे तो आप कहां से कहां तक बनाओगे? तो बेटा आप जीरो से लेकर के वन तक बनाओगे और वन के जस्ट ऊपर एक यूनिट ऊपर चले जाओ। कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप इस वाले लेंथ को देखो, ये भी वन मीटर है या वन सेंटीमीटर है, ठीक है, वन मीटर, और ये भी वन मीटर। तो उस हिसाब से बच्चों, उस हिसाब से हमको बस इतना बता दीजिए, ये जो मैं लाइन बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ये वाली लाइन जो रेड कलर से बनाया, ये कितना होगा? दो मीटर। नहीं बेटा, दो मीटर कैसे होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ ना आप। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कितना होगा बताओ जल्दी से। बेटा रूट टू अभी को तो निकाले तो थे, याद करो। हाँ रूट टू। अब बेटा आप लोग एक प्रकार लो, प्रकार आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग के पास होगा भी प्रकार, ठीक है। यस। प्रकार क्या होता है? देखो कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेंसिल आप ऐसे लगाते हो। अरे एक सेकेंड यार, चलो ध्यान से देखना, पेंसिल इस तरीके से लगाते हो, ठीक है, ऐसे पेंसिल करते हो आप यहाँ पे। और बेटा ये यहाँ पे इसकी नोक होती है, यहाँ पे ये इसकी नोक होती है, ठीक है। आप लोग के पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना? है सर। है। यस सर। ये रहा सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस प्रकार की सहायता से आपको बेटा यहाँ पे इस नोक को रखना है। देखो जो येलो वाला पार्ट मैंने बनाया, ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है बेटा? यस सर। तो ये जो डॉट मैंने लगाया येलो वाला, इसको नोक को यहाँ पे रखिएगा और मैं एक ग्रीन वाला पार्ट बनाऊंगा, ये जो ये वाला पार्ट है इसको आप लोग यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। अब इतना करने के बाद इस पेंसिल को आप लोग मूव करिएगा, मूव करेंगे तो ये पेंसिल इस वाले नंबर लाइन को यहाँ पे कट करेगी ना बच्चों? यस सर। जल्दी से बताओ, यहाँ पे कट करेगी ना? यस सर। ठीक है,
तो बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से समझना जो मैं बोलूंगा, तो यहां से लेकर के, रुको मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छा नहीं इरेज नहीं करता, यहां से लेकर, यहां से लेकर के यहां तक की ये जो दूरी होगी ना बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी, ये पूरी की पूरी जो दूरी होगी ना, ये कितनी होगी जानते हो? ये पूरी की पूरी बेटा दूरी होगी रूट टू। सबको समझ में आया? Yes, तो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को हम लोग नंबर लाइन पे बनाते हैं। सबको समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। सर मैंने ले लिया सर। कर लिया सर नोट। ठीक है। तो बच्चों बताओ, आज की जो क्लास थी, जो कि आपके सिलेबस पे आधारित थी, कैसी लगी ये क्लास? बहुत अच्छी। इसी तरीके से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आप लोगों के लिए आपका जो बुक वाला क्वेश्चन है वो सब लेकर के आता रहूंगा। ठीक है बच्चों? यस सर। तो बेटा ये आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।